सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को और राधे कृष्ण के बारे में आप सबसे सबसे पहले तो इतना भी कुछ करिए सत्यागन देख रहा था हम राहुल मिश्रा सब के कृष्ण के प्रणाम करते हैं और राधे कृष्ण के बारे में ये है कि भोजपुरी फिल्म है ये और बहुत ही मतलब साफ सुथरी फिल्म है जो कि अभी आज इसका ओपनिंग है चले हमारे राहुल मिश्रा जी हैं आज मेहनत करके पीछे जाए कामयाबी जाए ये खुशी हमारे लिए जी कुछ अपने किरदार के बारे में बताना चाहेंगे जी इसमें एक्चुअली राजेश दिया है राजेश पांडे जी हैं मुझे क्या तैयारी चल रही है अपने कैरेक्टर के लिए अपने रोल के लिए तैयारी हम कर रहे हैं और अप्रैल से मेरा शूट है जी सर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा जोर से बोलिए सर राधे कृष्ण फिल्म के लिए हम सपोर्ट के लिए आए भाई की सर हमारा पूरा सपोर्ट है इसके लिए हम लोग उनके मुहूर्त के लिए आए जी सर आप कुछ बताना चाहेंगे शूटिंग कब से शुरू की जाएगी लोकेशन क्या होंगे एक महीने का टारगेट फिल्म में और कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे जी स्टार कास्ट उसमें है निधि झा जी हैं कृष्ण जी हैं नितेश पांडे को जैसे लता और अभी आनंद मोहन संजय पांडे जी हैं सब स्टार कास्ट ही हैं भी स्टार कास्ट चलिए थैंक यू सो मच नेक्स्ट मैम क्या कहना चाहेंगे फिल्म राधे कृष्ण का मुहूर्त किया जा रहा है सबसे पहले अपने बारे में बताइए क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में बोलूँगी कि क्या कहते हैं सभी भोजपुरिया लोग को जो जो देख रहे हैं उनको पैर छू के प्रणाम करती हूँ मैं राधा सिंह और जो ये राधे कृष्णा मूवी है उसमें मैं रितेश पांडे की सिस्टर हूँ और क्या कहते हैं ये बहुत ही अच्छी मूवी है और परिवार पूरा बैठ के देख सकता है और ये मेरे राम पटेल जी सर हैं जो कि डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे हैं जितना तारीफ करो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है और ये क्या कहते हैं मनीष पांडे सर जी हैं सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ तो मैं राम पटेल हम लोग राधे कृष्णा फिल्म का मुहूर्त भी हमने किया जो कि एक अपना प्रयास है कि ऑडियंस को एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म दी जाए तो उसी कड़ी में एक अपना एक सार्थक प्रयास है और राधे कृष्णा जो कि अपना प्री प्रोडक्शन स्टार्ट है और यूपी के बड़े खूबसूरत लोकेशन में हमारी फिल्म की शूटिंग होगी जी मैडम मनीष जी कुछ बताइए इसके बारे में प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जैसे कि देखा राधे कृष्ण बहुत अच्छी है स्टोरी बहुत ही बढ़िया ढंग से है और आप पूरे परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं बहुत अच्छा पिक्चर चीज आपको देखने को मिलेगी कुछ नया चीज आपको सुनने को मिलेगा उसमें देखने को मिलेगा जाएंगे फिर वहाँ पे सब लोग पीछे हो गए उतना शुरू में ये बहुत अच्छी चीज़ है उसमें दिखाया जाएगा और जिसके डायरेक्टर साहब हमारे राम जी पटेल जी और राम मिश्रा जी और रितेश पांडे जी हमारे जे डी झा और नितू सिंह जी और साथ में है हमारे धर्मेंद्र भाई जी संजय पांडे जी हैं जो अपना सही तरीके से किरदार निभा रहे हैं और निभाएंगे और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना के देंगे ओके हो गया हाँ थैंक यू सर थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताएं और फिल्म के साथ कैसे जुड़े हैं वो बताएं नमस्कार प्रणाम मैं गायक विशाल राजा और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और मेरे बड़े भैया की फिल्म राधे कृष्णा आ रही है जो कि बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है आप लोग देखिए जरूर बहुत अच्छी फिल्म है सिनेमा घर तक जाइए जी तो मैं श्रवण शर्मा जो कि राहुल मिश्रा राधे जो डेब्यू कर रहे हैं उनका मैं बहुत सारा राइटिंग किया हूँ और इस पिक्चर में भी थोड़ा बहुत भूमिका निभाऊंगा और ये बहुत ही पारिवारिक पिक्चर है मेरे हिसाब से शायद भोजपुरी में ऐसी पारिवारिक पिक्चर नहीं आई होगी और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें और मैं आशा रखता हूँ कि ये भोजपुरी श्रोता लोग को बहुत पसंद आएगा और मार्केट में धमाल मचाएगा
आप बताइए। हम शंकर दयाल गुप्ता जितना सौरभ है भगवान रूप माया लक्ष्मी का नाम करवानी और इस फिल्म जो राधा कृष्ण है हमें इसमें काम करने का चांस मिला जो कि हमारा फर्स्ट है। मैं यही कोशिश करूंगा कि सबसे अच्छा इसमें काम करने की जो कि अगला चल के हमें चांस मिले। थैंक यू सर। सर आप बताइए। बता दिया ना। हो गया। चलिए किशोर के जैसे शुभ मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे। आज गणतंत्र दिवस है और आज़ादी की आज से शुरुआत हुई थी तो आज एक और शुरुआत हो गई शुभ अवसर पर। जी तो सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में अपने मीडिया दोस्तों को नमस्कार कर रहा हूं। मैं राम पटेल और अभी हमने आज एक बड़ी खूबसूरत फिल्म का मुहूर्त किया राधे कृष्णा जो कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और मैं आशा करता हूँ कि एक अपना बड़ा अच्छा प्रयास है कि हम दर्शकों को कुछ अच्छी चीज़ दें जो लोगों को बड़ा पसंद आए। अब शुरू होगी तो जी अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू है और उम्मीद है कि एक नेक्स्ट मंथ में हम लोग शूट पे जाएंगे। फिल्म की शूटिंग कहाँ पर करने वाले हैं? जी फिल्म की शूटिंग हम लोग उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के कई लोकेशन हम लोग देखने के लिए जाने वाले हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन उत्तर प्रदेश में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो भी बिहार से जुड़े हैं तो अपने लोकेशन को हम लोग दिखाएं, अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें। फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए इस पोस्टर में काफ़ी जिनको बताना चाहेंगे। हाँ जी इस फिल्म में रितेश जी हैं जो कि बहुत ही अहम किरदार प्ले कर रहे हैं। निधि झा जी हैं और रितु सिंह जी हैं, संजय पांडे जी हैं, आनंद मोहन जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, राहुल मिश्रा जी है। तो इस प्रकार के काफ़ी लोग हैं जो कि हमारे फिल्म में और अपनी कोशिश है कि जो भी हमारी कास्टिंग है वो परफेक्ट है हो और जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप तस्वीर में डाल दीजिए। सर फिल्म के प्रोड्यूसर साहब हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे। मनीष जी जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं और मनीष जी से मेरी बात हुई तो हमने कोशिश किया कि अच्छी हम लोग फिल्म बनाया जाए और मनीष जी से मैं मिला तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ये कॉन्सेप्ट है इसलिए प्लानिंग करते हैं तो मनीष जी ने पूरा साथ दिया है? और इनका साथ और सहयोग से जी मनीष जी राधे कृष्णा फिल्म जैसा क्या कहना चाहेंगे? अभी डायरेक्टर साहब कुछ बता रहे थे। राधे कृष्ण के बारे में ये कहना चाहते हैं कि अभी हमारा शुरुआत है आज से और मुहूर्त बहुत अच्छे ढंग से गया और जो भी है डायरेक्टर राम पटेल जी आपको बराबर समझाएंगे उसके बारे में। सब इनके ऊपर जोर दिया। बाकी और क्या यूएसपी है फिल्म की, क्या और बताना चाहेंगे? बता देना चाहूँगा कि एक जो हमारा भोजपुरी समाज चाहे हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं सब लोग एक फाइट कर रहे हैं कि एक साफ़ सुथरी छवि वाली फिल्में बनाएं जो एक फैमिली के साथ में बैठ के देखें। कभी एक दौर हुआ करता था कि भोजपुरी फिल्म का सराहना हुआ करती थी कि ये भोजपुरी फिल्म है यानी कि फैमिली के साथ में देखने वाली चीज़ है, वो चीज़ें कहीं कहीं बहुत दूर हो गई हैं। तो अपना पूरा कोशिश है कि हम एक अच्छी फिल्म दें और जो दर्शक है अपने फैमिली के साथ में देखें तो उसी की कड़ी में एक राधे कृष्णा एक अपना अच्छा प्रयास है कि हम एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाएं जो कि समाज को एक नई दिशा एक नया आयाम दें। आपको लगता है जो फिल्में आज आ रही हैं वो फिल्में साफ सुथरी नहीं है फिर भी लोग देखने जा रहे हैं? जो सुपरस्टार्स की फिल्में खेसारी लाल, नेहरुआ, पवन चिंकी, इनकी फिल्में साफ सुथरी नहीं है? नहीं नहीं ऐसा तो देखो जो बड़े स्टार हैं और चाहे बड़े मेकर हैं पहले लोगों ने जो भी बनाया लेकिन अभी सबकी कोशिश है कि एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनाई जाए, चाहे निरहुआ जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे अदर कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं सबको ये दिल में फील हो रहा है कि हम लोग जो अपनी गंदगी है सब लोग फाइट कर रहे हैं गंदगी के लिए, एक साफ सुथरी भोजपुरी के लिए सब लोग फाइट कर रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए साफ सुथरी फिल्में बनाने के लिए? और सिनेमा देखिए एक समाज का आईना है और हम जैसा दर्शकों को दिखाते हैं दर्शक वैसा ही ऑब्जर्व करता है और उसको मनन करता है। तो अपनी कोशिश हो कि जितना भी हम दिखाएं चाहे एल्बम हो, चाहे गाने हो, चाहे फिल्म हो, स्टोरी हो, तो उसको अपनी जो कल्चर है संस्कृति है जो भोजपुरी की अपनी कल्चर संस्कृति है वो कहीं कहीं दिखाना चाहिए, कहीं ना हम उससे दूर भटक रहे हैं तो वो चीज़ अगर दिखेगी तो लोगों को अपनापन महसूस होगा तो उससे जुड़ना चाहेंगे लोग दर्शक लोग। आपने इससे पहले राम जी कोई फिल्म की है? जी मैंने दो फिल्में मैंने बनाई हैं जो कि सेंसर हो गई हैं, रिलीज पे हैं और एक दो फिल्में और हैं जो कि मेरी लाइन पे हैं। अभी प्री प्रोडक्शन स्टार्ट है और बहुत जल्दी हम लोग फ्लोर पे जाने वाले हैं। और जो दो फिल्में आपने बनाई हैं किसके साथ, उसमें आर्टिस्ट कौन है और कब तक आएंगे? जी जी और मैंने एक फिल्म बनाई राकेश मिश्रा के साथ में राधे रंगीला जो कि सेंसर हो गया है और थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कुछ सही समय देख करके उसको रिलीज करने वाले हम लोग हैं। और एक और फिल्म हमने बनाई मैंने बनाई जो कि चीरहरण
पहले कोई और डायरेक्टर साहब कर रहे थे, लेकिन तो कुछ प्रोड्यूसर साहब का अनबन हुआ तो उसको फिर मैंने फिर पूरा किया और वो भी फिल्म कंप्लीट हो गई है, सेंसर हो गया है, वो भी रिलीज पे है। वैसे राधे से कोई खास लगाव है आपको? राधे रंगीला भी होता है और कुछ वक्त बाद वही राधे कृष्णा भी होता है। जी जी, राधे से, राधे तो सबके दिल में है और मैं चाहता हूँ कि हम सबके सबके दिल में राधे रहे, तो ऐसा कुछ खास तो लगाव नहीं है, लेकिन एक अच्छा लगा राधे कृष्णा का, अच्छा यूनिक नाम लगा, तो मैंने बोला कि चलो राधे रंगीला बना, एक राधे कृष्णा की बनाते हैं हम लोग। तो डायरेक्टर राम से बात की गई जैसे राधे रंगीला फिर राधे कृष्णा, तो क्या राधे आपका एक टाइटल हमेशा चलता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चिरंजीवी बनाई, इससे पहले मैं एक बड़ी अच्छी मूवी रवि जी को लेकर कर रहा हूँ, वहाँ संग्राम कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मंथ में मैं एक और मूवी में जा रहा हूँ पंगेबाज, जो कि बड़ी अच्छी फिल्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि अच्छी फिल्म बनाया जाए, टाइटल से मेरा कुछ खास लगाव नहीं है। इनके गीत संगीत को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फिल्म का जो गीत संगीत एक अहम पार्ट होता है, तो उस पर मेरा भी फोकस है कि कुछ अच्छा हम लोग किया जाए, तो इसकी वजह से मैं छोटे बाबा से मेरी बात हुई इस फिल्म के लिए, जो कि मेरी जो भी फिल्में अभी छोटे बाबा म्यूजिक कर रहे हैं, तो उनसे बात हुई कि उम्दा एक अलग ढंग से हम लोग म्यूजिक दें, तो अच्छा एक प्रयास अपना चल रहा है कि म्यूजिक पे भी हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं कि जो कि एक बढ़िया म्यूजिक पे भी हम लोग काम करें। कब तक आ जाएगी आपकी फिल्म थिएटर में साहब राधे कृष्णा? राधे कृष्णा हम लोग जाने लिए आपका अप्रैल एंड में हम लोग फ्लोर पे जाने वाले हैं, और उसके बाद की उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक हम लोग मार्केट में अपना रिलीज करेंगे हम लोग फिल्म। ना रितेश पांडे नजर आ रहे हैं मुझे, ना निधि झा नजर आ रही है, ना ही ऋतु नजर आ रही है, कोई खास हो जाए फिल्म की मुहूर्त नहीं है? वजह नहीं, थोड़ा लेट हो गए हैं लोग, ऑन द वे हैं लोग, जस्ट उनका फोन आया था और पहुंचने वाले हैं लोग, तो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में मिलेंगे वो लोग, और राधे कृष्णा के बारे में वो भी कुछ अपने अपने बयान अपने शब्दों से कुछ अपने विचार रखेंगे। थैंक यू। हाँ नमस्कार, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को अमरीश सिंह की तरफ से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस शुभकामना पे एक अच्छी शुभ आज कार्य हुआ जिसका एक अच्छा मुहूर्त हुआ राधे कृष्णा का, तो मैं लाख लाख बधाई देता हूँ पूरी टीम को कि जैसे कि फिल्म का नाम है उसी तरह नाम रोशन करें इस फिल्म को लेकर। वैसे लव मैरिज से अचानक राधे कृष्णा स्विच बड़ी जल्दी कर लेते हैं? नहीं, फिलहाल राधे रंगीलम की है क्या? बिल्कुल। हाँ, जो राम पटेल इसके डायरेक्टर हैं वो मेरे अजीज मित्र हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, और बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही टैलेंटेड और डायनेमिक इंसान है, जो कि मैंने एक फिल्म की थी राधे रंगीला, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया, और आई होप कि मैं अगले महीने उनके साथ एक फिल्म और कर रहा हूँ, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ही मज़ा आएगा उनके साथ काम करके। राधे रंगीला के बाद राधे कृष्णा पे क्या करना है? हाँ, राधे रंगीला के बाद राधे कृष्णा राम पटेल जी के लिए बहुत ही कहा जाए कि शुभ कार्यों के प्रतीक उनका चलना और सोचना, और शायद उनके लिए एक लक्की चाम रहा हो सकता है राधे को लेते हुए, तो राधे कृष्णा भी वैसे ही लक्की कहा जाएगा और कंप्लीट फिल्म होगी और सुपर डुपर हिट होगी। उदय जी कुछ कहना चाहते हैं आज आप? जी सबसे पहले तो राधे राधे, और मुझे बड़ी खुशी, जी जी मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं देखते रहता था कि कब भोजपुरी का जो है अच्छा दौर शुरू है, तो मुझे लगता है कि ये अब दौर जो है शुरू हो रहा है अच्छा दौर, क्योंकि जिस फिल्म का टाइटल ही वो राधे कृष्ण हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, तो टाइटल देख करके ही दिल बहुत खुश हो गया है, और हमारे भोजपुरी के जितने भी दर्शक जो परेशान थे अश्लीलता से कम फिल्म के अच्छे नाम देख करके भी वो सिनेमा हॉल में आएंगे, तो ये हम लोग सब लोगों के लिए बड़े खुशी की बात है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह बहुत सारी फिल्मों की शुरुआत हो। जब मैंने पहले शुरू में फिल्में की थी, जब राकेश पांडे जी के, सुजीत कुमार साहब के साथ, कुणाल जी के साथ, तो अच्छी अच्छी फिल्में की हमने, अच्छे टाइटल होते थे, परिवार के लोग जाते थे, तो अब फिर वो दौर शुरू हो, यही प्रार्थना ईश्वर से। राम पटेल इसके डायरेक्टर हैं जो हमारे छोटे भाई के तरह हैं, और इनके साथ कई फिल्म करने का भी मुझे मौका मिला है, मैं अच्छा लगता है कि अब नए नए टैलेंट आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त गुणी लोग हैं, तो हमारी तरफ से राम भाई को पटेल है और जो इस निर्माता हैं इसके जो सारे कलाकार हैं दिल से बधाई है उनको, और बहुत बहुत प्रेम जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं सारे भोजपुरी समाज को हाथों के प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक बात है राधे कृष्णा का, तो हमारे बहुत बढ़िया मैंने हमारे दोस्त हमारे दिग्गज डायरेक्टर राम पटेल जी उसको भी कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं इसको, और हमारे दोस्त इसमें राहुल जी है,
राहुल जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई हो पटेल जी को भी और मनीष जी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके लिए भी। इसकी कहानी बहुत अच्छी है एक्चुअली, मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मैं हमारे दोस्त लोग हैं तो उठना बैठना होता है लोग के सामने, तो कहानी भी बहुत अच्छी है और गाने भी बहुत अच्छे हैं। मैराथन मैराथन में नितेश जी भी है और नीलेश भाभी है और रितु जी वगैरह मैराथन में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। फिल्मों की बात की जाए तभी कौन कौन फिल्म मर रही है, बस अभी हमारी एक फिल्म आ रही है लाल, लाल फिल्म आ रही है, दूसरी फिल्म है दहेज दानव, बड़ी अच्छी फिल्म बनी है दहेज दानव, रिलीज होने वाली है। और अभी जी सुमा राव जी के साथ करके आया हूँ काशी विश्वनाथ, रितेश हीरो है, काजल राघवानी हीरोइन है और ये फिल्में कंप्लीट हो चुकी है जो रिलीज होने वाली हैं। और अभी बस राधे कृष्णा से फिर शुरुआत है, हमारे छोटे भाई के साथ भी हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर ये शुरुआत अच्छी शुरुआत है, तो भारत माता की जय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए जब इस फिल्म की शुरुआत हुई जिस तरीके से आज सिनेमा का दौर बदल रहा है, कहानियों को लेके ऑडियंस काफ़ी सचेत हो रही है क्योंकि अच्छा कंटेंट आना चाहिए भोजपुरी सिनेमा में, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा अब अपने शैशव अवस्था से यूं कहें कि अब जवान हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मार्केट भी बहुत बड़ी हो रही है, अब अच्छी कहानी आनी चाहिए, अच्छा कंटेंट आना चाहिए। जैसे इसकी शुरुआत हुई अभी, हमने एक वेब सीरीज़ की हीरो वर्दी वाला, इंडिया की पहली भोजपुरी वेब सीरीज है, आर्ट बालाजी पे आप देख सकते हैं उसको। इस फिल्म की बात करें तो ये कहानी के तौर पे कथानक बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया, और मैं वो एक जो लगातार बात करें जैसे साफ़ सुथरी है, सारी फिल्में साफ़ सुथरी होती है, सब अच्छा होता है, वे आप एग्जीक्यूशन क्या है आपको सिनेमा को बनाने का बहुत मायने रखता है। तो ये है कि इस कहानी में आपको नयापन देखने को मिलेगा, एक नई कहानी आपको देखने को, आप देख सकते हैं कि एक नई कहानी आपको देखने को मिलेगी, वही इस कहानी की मतलब रोचकता है या बेस्ट पार्ट है। अजीत जी, एक हीरो वर्दी वाला के बाद, एक वर्दी वाला के बाद क्या एक नया ऑप्शन तैयार हुआ है पैरेलल टू सिनेमा, कुछ नया तैयार हुआ है, एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि कहा जाता है कि थिएटर्स की हालत अच्छी नहीं है सिंगलप्लेक्स की, ऐसे में क्या उस पर डिपेंड किया जा सकता है या उसका कितना भविष्य नजर आता है खासकर हीरो वर्दी वाला के रिलीज के बाद? देखिए आज का जो मैंने वही कहा कि अभी जो दौर है ये कहीं ना कहीं नेट का दौर आया हुआ है, मतलब इंटरनेट पे जितनी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से, आप एक तो बहुत व्यस्तम लाइफ है लोगों की, आप बहुत व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत आसान है कि आप जो है ना आपने अपने फ़ोन पे आप कोई सीरियल देख लिए, आप जैसे जिस तरीके ये हिंदी सिनेमा में भी आया है और मतलब सीरियल्स में भी एक बदलाव आ रहा है और ये बहुत आसान हो गया कि नेट पे चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो ये हीरो वर्दी वाला एक सचमुच में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आएगा, एक बहुत बड़ी मतलब एक नई मार्केट भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए खुलने जा रही है, जो बाकी मतलब हिंदी का आज आप देख ही रहे हैं जैसे नेटफ्लिक्स और आपका अमेजोन और बहुत बड़े बड़े ऐप लॉन्च किए गए हैं और बहुत बड़ा काम हो रहा है, वैसे भोजपुरी के लिए एक नई शुरुआत है और होप कि बहुत अच्छा हो, बड़ी मार्केट बने। सवाल ये है कि और बालाजी जैसा जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उस पर भी कोई वेब सीरीज रिलीज की जाती है जो जिन लोगों को नहीं पता है ऐप के बारे में जो यूट्यूब पर आज ढूंढते हैं वो क्या करते हैं? कि आधे लोगों के पास जो क्रेडिट कार्ड नहीं होते, आधे लोग ये नहीं कर सकते, लास्ट बाइट आधे लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तब लास्ट बाइट चल रही है। अभी तो उन्होंने कोई आपकी इसी बात को अभी अर्थ ने भी समझा है और उन्होंने एक लिंक भेजा है जो अभी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आप फ्री में इसके सारे एपिसोड्स देख सकते हैं और एक अवेयरनेस अभी आएगी, मार्केट अभी खुला है, तो मेरा ये मानना है कि अब जैसे मतलब यूट्यूब या ये चीज़ें ये करने में एक टाइम लगा, थोड़ा टाइम लगा और आज मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो यूट्यूब पर रोज़ सर्च करती है, तो वैसे ही इस तरीके की सीरीज़ देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक पहला पायदान था जो हमने मतलब हम लेके आए ऐसा सीरीज, तो इसके बाद ये एक मार्केट ओपन होगी लेकिन रन करना इसके बाद की चीज़ें आएंगी तो बहुत तेज़ी से जाएगी। हीरो वर्दी वाला को मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज से कंपेयर करना कितना अब सीरियल हो फिल्म हो
सबकी कहानी अलग होती है, सबका बैकड्रॉप अलग होता है। हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर वहाँ मिर्ज़ापुर है तो फिर हम कहेंगे कि अपहरण है उनका दूसरा, तो उसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है, बैकड्रॉप अलग है, मेकिंग अलग होती है, कहानी के अकॉर्डिंग ही मेकिंग होती है, तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं। हमने ये कहा कि बस बहुत अच्छा बनाया है, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। आपको लगता नहीं कि वेब सीरीज आने से जो ट्रेडिशनल सिनेमा है, जो ऑडियंस थिएटर में 30 रुपए में फिल्में देखती है, क्या उसका भविष्य खतरे में आ जाएगा? ट्रेडिशनल सिनेमा पे फुल स्टॉप लग सकता है, खासकर ऐसे हालत में जो डूबने की कगार पर है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हुआ कि टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न की मार्केट बहुत बड़ी हो गई थी एक टाइम पे, ये होता कि हिंदी सिनेमा बंद हो जाएगा ऐसा लग रहा था, नहीं हुआ। सिनेमा का दर्शक अलग है, या सिनेमा देखना आज भी हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए एक फेस्टिवल है। हम एक प्लानिंग करते हैं कि यार इस हफ्ते फिल्म देखनी है, फिल्म देखनी मतलब बाहर घूमने जैसा है, तो हम परिवार लेके जाते हैं और सिनेमा देखते हैं, तो वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। मतलब नेट पे चाहे जितना कंटेंट आ जाए या जो भी चीज़ें आ जाए, सिनेमा का व्यवसाय कभी ना खत्म होने वाला है ना प्रभावित होने वाला है। हीरो वर्दी वाला के बाद सर क्या, अब इसके बाद क्या और किसी वेब सीरीज की बात चल रही है या इसी के नए सीजन की बात चल रही है, अब क्या? देखिए एक दो दिन में सामने होगा कि हो सकता बालाजी से ऑफर आए कि आप नेक्स्ट सीरीज बनाएं, मतलब अगला सीजन बनाएं, और भी लोग आ सकते हैं, होप कि अच्छा लोग आए हमारे पास। बात करें अब राधे कृष्णा की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे कि बताया कि इस फिल्म की कहानी है, मतलब अब हर कहानी राइटर कहता है कि नया है, आपको सचमुच में नयापन मिलेगा, इसकी गारंटी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, देखिए डायरेक्टर यंग डायरेक्टर हैं रामजी पटेल, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक, ईमानदार, और काम के प्रति मतलब बहुत ही बहुत जुझारू बंदा है, जो शुरुआत से इसलिए मैं उनके साथ खड़ा रहा कि कुछ अच्छे लोग आए, नए लड़के आए, और आज नए लड़के आ करके सिनेमा में बदलाव ला रहे हैं। आने वाली फिल्मों की बात की जाए आपकी, तो एज ए राइटर तो सबसे जो बड़ी फिल्म यूँ कही जाए जो जिसका बहुत इंडस्ट्री को भी इंतज़ार है वो है गबरू, तो गबरू आने वाली है हमारी, वो ईद पे प्लानिंग है रिलीज करने की। थैंक यू। रुक जा भी बैठ के बैठ के बैठ के बोल दीजिए एक बार, अब बोलिए रेडी कैमरा बैठ गया, रोल कैमरा। नमस्कार, मेरी ओर से आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बात करें राधे कृष्णा का, जिसका शुभ मुहूर्त हुआ है रिपब्लिक डे के साथ, दिन में क्या कहना चाहेंगे शुभ दिन में? सबसे पहले तो राधे कृष्ण फिल्म के जो टाइटल है बहुत ही अच्छा है, और मेरी ओर से राधे कृष्ण फिल्म की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि फिल्म सुपरहिट हो, गाने सुपर डुपर हिट। और फिल्म की पूरी टीम की बात की जाए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में, बदलाव की बातें की जा रही हैं, कुछ नया हो रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत सारा बदलाव आया है, गीत का हो चाहे फिल्म के स्टोरी का हो चाहे टाइटल हो, बहुत ही बदलाव है और बदलाव होना भी बहुत ज़रूरी था। राधे कृष्णा के जैसे कि आपके गाने से शुभ मुहूर्त हो रहा है, और कहीं ना कहीं फिल्म के लिए लकी होते हैं आप जब आप गाने, ये मेरा सौभाग्य है, पूरी टीम है और टीम वर्क है, ये अकेले को हम नहीं कह सकते कि मैं ही गाती हूँ तो फिल्म हिट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी टीम है और पूरी टीम का ये चले जाता है। राधे कृष्णा जैसे टाइटल है राधे कृष्णा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही, मैं पढ़ा राधे कृष्ण, बहुत ही अच्छा टाइटल है, बहुत ही बेहतरीन है, और आई थिंक मुझे लगता है कि फिल्म भी अलग ही हटके होगी और गाने भी हटके ही होंगे। नए साल की शुरुआत हुई है तो आपके समय से गाने आते रहते थे, तो अभी गणतंत्र दिवस है तो कोई गाना आपका आया हुआ लेटेस्ट? बिल्कुल, रिपब्लिक डे पे जो दो लाइन सुबह पे आ रहे हैं, गजनी दे वाला तो आज के दिन बहुत हो रहा है, सिंगल बनाना क्या है ये भी प्रोफाइल ले, वैसे भी 26 जनवरी है, ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, काहे के लिए दिया होता वो बूम ले रहा, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए, जितनी अच्छी फिल्म लेके आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे उसको? कौन बोला भूमि वाले? बहुत दिन के बाद लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, नाम भी बड़ा प्यारा है, और मैं जानती हूँ कि ये सुपर हिट होगा। आज काफी लेट आई आप? लेट नहीं आई, मैंने बता दिया था कि मैं हाँ थोड़ी सी लेट आऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी मतलब डेढ़ घंटा, कहीं और भी गई थी, और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे,
रिपब्लिक डे मनाने के लिए अच्छा रहेगा सेंटर। अब बताएं जरा राधे कृष्णा की हम बात कर रहे थे, एक नई फिल्म, एक नई शुरुआत, निधि क्या कहती हैं? टाइटल ही देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा टाइटल है और इसका जो भी श्रेय है मेरे डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर हैं उनको जाता है। और विस्तार की बात किया जाए तो मुझसे अच्छा जो डायरेक्टर होते हैं जो हमें डायरेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली कैरेक्टर क्या है उसके बारे में हमारे डायरेक्टर ही बताएंगे। तो आप बताइए कि आपका क्या है, लाइक स्टोरी के बारे में बताइए। तो निधि जी बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले कर रही हैं जो कि रितेश के अपोजिट हैं, और ऋतु जी हैं, ऋतु जी भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। अभी तो ठीक बोल रहे थे मैडम, साथ में बैठे के हो गया है ना, नर्वस हो गया है ना। सर क्या कहना चाहेंगे निधि जी, जैसे कहा कि आप फिल्म के बारे में विस्तार से बताएंगे तो निधि जी क्या कर रही हैं इसमें आप बताइए। राधे कृष्णा में निधि जी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है और रितेश जी के साथ में इनका पेयर है और बड़े खूबसूरत ढंग से इनके कैरेक्टर को पिरोया गया है। राइटर साहब हैं धर्मेंद्र जी ने बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है और निधि जी को स्टोरी हमने सुनाई थी तो काफ़ी इनको पसंद आई थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी काफ़ी अच्छी पसंद आए। तो कृष्ण की राधा यही बन रही हैं? जी हाँ, कृष्ण की राधा यही बन रही हैं और राधा बन के और काफ़ी अच्छी रासलीला में मॉडर्नाइज तरीके से, अलग तरीके से, जो स्टोरी सोच भी नहीं सकते थे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। वो तभी होगा जब, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि जैसी फिल्म आएगी और आप सब जाएंगे अपने थिएटर में इस फिल्म को देखने। निधि जी बात करें, जैसे कि लुलिया गर्ल के नाम से आप फेमस हैं और अब जो है कृष्ण की राधा बनने जा रही हैं, तो इसके लिए कितना अलग दिखने वाली है, कितना धमाल करने वाली है? देखिए मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं जब भी कुछ फिल्म करूं, जो भी फिल्म करूं, एक अलग कैरेक्टर हो, चैलेंजिंग हो। तो लोगों ने लुलिया के नाम से बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लोगों ने मुझे गैंगस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो अब कोशिश है कि ये अलग राधा बनकर आप सबको एक अलग निधि मिले और कोशिश रहेगी कि अब उसके बाद से आप मुझे प्यार से राधा भी बुलाएंगे। सो लेट्स सी। अगला सवाल आनंद जी की तरफ से। निधि जी वैसे आप रितेश पांडे साहब के बारे में क्या कहती हैं? जी रितेश जी बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हैं। उनके साथ मैंने एक फिल्म किया है यारा तेरी यारी, जिसमें हम दोनों का पैर है और बहुत ही शांत इंसान है, बहुत ही स्वीट है एंड कोई ईगो वगैरह नहीं, तो अच्छा लगता है उनके साथ भी काम करके। लेट्स सी अब कुछ नया, मेरे कृष्ण बनने वाले हैं तो लेट्स सी कुछ नया जरूर होगा। एक अहम सवाल ऐसा कई लोग कहते हैं भी शायद कहेंगे भी कि रितेश पांडे एकदम पवन सिंह की तरह गाते हैं। देखिए आई बिलीव कि सबके अंदर अपना अपना एक हुनर होता है, सब अपने एक लेवल पर बहुत अच्छे होते हैं, तो किसी से किसी की तुलना ना किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज कोई ऊंचे लेवल का गाना अच्छा गाता है तो कोई सॉफ्ट अच्छा गाता है, तो कोई इमोशनल अच्छा गाता है। तो रितेश जी की भी बहुत ही प्यारी आवाज़ है, मुझे भी पर्सनली उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे कंपैरिजन करना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन ऑन सिंगिंग ओनली, बहुत सारी एक्ट्रेसेस सिंगर बन गई हैं। अभी से हाँ जोड़ रही, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, ना ही मुझे गाना गाने आता है। मैं मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर ऑल्सो कभी मैं गाऊंगी, बिकॉज मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं अगर अभी गाऊंगी तो शायद जितने लोग मेरे आए हैं, मेरा दूसरा परिवार आया, वो भी भाग जाएंगे, तो मैं सिंगर नहीं हूँ भाई। But recently I was told by your father that you were a very good singer in your childhood. No, you heard something wrong. I'm a very bad singer, trust me. मुझे गाने का शौक बहुत ज़्यादा है, पर मैं सिंगर नहीं हूँ, ना ही मैं गाना गा सकती हूँ। चलिए आप गुना दीजिए, सुनना चाहते हैं कैसे गाती हैं, कैसे गाती हैं लुलिया? मुझे और सर्दी हुई है, मैं तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि वैसे ही मैं गंदा गाती हूँ और नाक से गाती हूँ। चलो गणतंत्र दिवस के ऊपर ही गाते हो, बहुत गंदी सिंगर हैं आप, मत गाइए। मैंने खुद ने कहा। अच्छा I believe that. दिन बहुत अच्छा है, गणतंत्र दिवस है, कुछ ऐसे ही गा दीजिए। आजादी की शुरुआत यही से, वो तो बच्चा बच्चा गाया था, आप भी गा दिए कुछ। तो आप गाना हो जाए, हो जाए। आज निकट भविष्य में आने वाले समय में 2019, 20, 22 तक कभी बिल्कुल
क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिंगर नहीं हूँ। अगर मैं कोशिश भी करूँ तो मुझे वो ऑटो ट्यून डाल के गाने थंबनेल बना दिया स्टॉप कर गए ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी सिंगर बने जो शायद कभी सिंगर बन ही नहीं सकते। हाँ, दैट इज ट्रू, बट ठीक है सी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर वो चीज करने के लिए। तो मुझे अभी वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं गाना गा सकती हूँ। आई नो कि आई एम नॉट अ सिंगर, मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करने की कोशिश करती हूँ और कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, तो उसी में रहने दी। अच्छा, फर्ज कीजिए जरा, सोचिए कोई सिंगर मिल गया एकदम, बोला निधि जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने हाथ पे निधि झा लिखा है और मेरे को आपका गाना सुनना है, then what will you do at that time? Then I will say brother, either not brother actually, मैं बोलते प्यार से उन्होंने नाम लिखवा दिया तो भाई नहीं बोलूंगी, पर मैं प्यार से बोलूंगी कि आप अपना कान बंद कर लीजिए, भले ही मुंह हिला दूंगी या कुछ तो गंदा गा ही दूंगी, अब इतने प्यार से कोई मेरा नाम लिखवाएगा तो दिल कैसे तोड़ सकती हूँ मैं। मतलब फैन का दिल नहीं तोड़ेंगी किसी भी हाल में? हाँ, फैन का दिल नहीं तोड़ सकती, फैन मेरे मतलब मैंने बोला ना फैन कम हो, मेरा दूसरा परिवार है, तो मैं परिवार का दिल नहीं तोड़ सकती। वैसे निधि झा की अपकमिंग मूवीज की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या शूट कर रही है निधि झा? अपकमिंग मूवी में है दिलबर, बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है, उसमें हीरो पल्लू है एंड यारा तेरी यारी है, मंदिर वही बनाएंगे जो अगले महीने ही रिलीज हो रही है, और लेट मी रिमेम्बर, मैं एक्चुअली नाम भूल रही, माफ कीजिएगा, स्पेशल सॉन्ग मैंने किया है विदाई टू में एंड और भी ऐसे बहुत सारी फिल्म है, अभी मैं नाम भूल रही एक्चुअली। ठीक है, डन 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 डन। देखिए ऋतु, अच्छा चालू है क्या कैमरा? चालू है, रोल है। रितु बहुत ही अच्छी दोस्त है और कसम पैदा करने वाले के बाद से हम, ये दूसरी फिल्म होगी जिसमें स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, और रितु पर्सनली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसको मैं प्यार से जोरा भी बुलाती हूँ, तो यस लेट्स सी, हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, आई होप सब कुछ अच्छा हो सकता है। मुझे देखिए, मुझे वो प्यार से बहुत कुछ बुलाती है, हम लोग एक दूसरे को बहन कभी बोल देते हैं, कभी कभी जोड़ा गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम है, निधु मुझे प्यार से बुलाती है, शिनचैन बुलाती है, पता नहीं बहुत सारे नाम है, तो बहुत सारा प्यार दिया है उसने मुझे। वैसे आपको वो क्या प्यार, ऋतु आपको क्या बुलाती है? मुझे वो निधु बुलाती है प्यार से। अच्छा, ये नामकरण कैसे हुआ? ये नामकरण जब हम कसम पैदा करने वाले की शूट कर रहे थे तो बस यूं ही, क्योंकि जोरा एक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद आया था एक कार्टून में, और हालांकि ऋतु भी बहुत स्वीट है, कार्टून नहीं है, बट नेचर वाइज दिल से बहुत ही साफ है और बहुत ही स्वीट लड़की है, पहली इंडस्ट्री में कोई लड़की होगी शुरुआती दौर पर जो मेरी दोस्त बनी होंगी, तो बस मैंने उसको प्यार से जोरा नाम दिया, उसने मुझे निधु दी, वैसे निधु तो मुझे बहुत लोग बुलाते हैं। प्यार मुझे बाबू बोला जाता है, मुझे बेटा बोला जाता है, मुझे निधि कम बुलाया जाता है, मम्मी कभी प्यार से मैडम भी बोल देती है, बिट्टू बोलते हैं, तो ऐसे सारे बहुत सारे नाम हैं। क्या नाम सुनना ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे प्यार से आप पागल भी बोल देंगे तो भी अच्छा लगेगा मुझे। वैसे आपने कहा कि वो कार्टून नहीं है, वैसे आपको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा कार्टून जिसे आप कभी मिली है, जो सबसे बड़ा कार्टून आपको? आई फील मैं जो आपको अलग अलग कैरेक्टर दिखाता है, तो हम एक्टर्स भी कार्टूनी हैं, कभी हम लोगों को हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, सो आई फील वी आर ओनली कार्टून। आप ओनली सी के साथ है, लेकिन इसमें हीरो चेंज है, उसमें यश कुमार जी रितेश जी है, तो टीमिंग कैसे रहने वाली है, यश जी के साथ कैसे टीमिंग रही है उस फिल्म में, रितेश जी के साथ कैसे टीमिंग? उनके साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रही, हम सेट पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा आई गेस ऐसा होता था कि हमें पता नहीं चला कि कब शूट ख़त्म हो गया या सीन ख़त्म हो गए, एंड आई बिलीव कि इस सेट पे भी हमें बहुत ज़्यादा सी, जहाँ पॉजिटिविटी हो वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, तो यहाँ हमारी इंडस्ट्री में एक एकता है और सब कुछ अच्छा होगा, सो यस सब अच्छा ही होगा। रितेश जी के बारे में जैसा मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही अच्छे इंसान है वो, राम जी आप सुनते नहीं है, कहाँ ध्यान है आपका। रितेश जी के साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है, स्वीट है, सो अच्छी ट्यूनिंग है उनके साथ। Thank you.
चलो मैडम। हाँ सर, फिल्म का मुहूर्त किया जा रहा है, राम जी की फिल्म का, राधे कृष्णा का, कुछ कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरी टीम को? मैं राधे कृष्णा की पूरी टीम को काफ़ी अच्छी है, और निधि का भी है, निधि का एक गाना काफ़ी अच्छा है, फिर दुआ लुड़िया वाला, उसी से उसका मार्केट अच्छा चल रहा है, बाकी मैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? जी, अरुण दुबे जी, जो कि अपनी राधे कृष्ण जो फिल्म हम लोग एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ये कहा जाए कि जो हम कोई भी काम करते हैं तो एक अहम कड़ी जो होती है, तो अहम कड़ी जो अपने दुबे जी हैं, जो कि काफ़ी योगदान इनका रहा है, चाहे मेरा पर्सनली हो, मुझे जो कि इंडस्ट्री में एक न्यू प्लेटफॉर्म देने का जो बात कही जाए, तो कहीं कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसको मैं जितना भी तारीफ करूं बहुत कम है, और आगे भी चल के जो भी मैं काम कर रहा हूं तो काफ़ी इनका योगदान रह रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद यहीं बना रहे, और हम जो राधे कृष्णा कर रहे हैं इसमें भी इनका आशीर्वाद बना है, शुरू से लेकर के अभी तक बना है, मुझे उम्मीद है कि आगे भी इनका आशीर्वाद बना रहेगा। एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा है, दो दोस्त हैं राधे और कृष्णा, उनके ऊपर उनकी बहन के साथ कुछ अन्याय होता है, उसके ऊपर देश पूरा एकदम, बहुत ही अच्छा टिपिकल फैमिली ड्रामा है, उसके हिसाब से ये नाम रखा गया है राधे कृष्णा, उसमें दोस्ती भी दिखाई गई है, और जो अगर फैमिली में बहन के साथ कुछ गलत होता है तो दो भाई दो दोस्त मिलकर किस तरीके से उसके खिलाफ लड़ते हैं वो दिखाया गया है इसमें। वैसे निधि के बारे में आप क्या कहते हैं, पहले भी निधि जी आपकी बड़ी तारीफ, निधि जी तो आउटस्टैंडिंग है, फैबुलस है, और क्या बताएं इनकी जितनी तारीफ की जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं, दूसरे फिर सेट पे जाने वाले हैं, तो ट्यूनिंग कैसे रहने वाली है? ट्यूनिंग हमारी शुरू से बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे अचानक से याद आया कि मेरे ध्यान से यह था कि आप लोगों ने पूछा था कि हमारी ये सेकेंड फिल्म है, मैंने बताया कि सेकेंड, बट मुझे अभी याद आया, आई एम सो सॉरी कि हमने साथ में सबसे पहला स्क्रीन जो शेयर किया था ट्रक ड्राइवर 2 में किया था, ये मेरे बॉयफ्रेंड बने थे, I'm so sorry। ये हम लोग की थर्ड फिल्म, यारा तेरी यारी में इतना इन्वॉल्व हो गए थे ना कि मेरे दिमाग में सिर्फ यारा थी, भूली बिसरे आदत आ गया, ये हम लोग की थर्ड फिल्म। वैसे तो फिर एक्साइटेड तो काफी होंगे रितेश पांडे सर, मैं चेहरे से देखने से लग रहा हूं, लग भी रहा, पास में निधि जी बैठी हैं तो पूछिए भाई। अच्छा, पिछली दो तीन बार से मैं देख रहा हूँ हीरोइनों के बारे में आप ऐसे ही कहते हैं, देखिए जो तारीफ के काबिल होगा पहली बात तो वही हीरोइन होगा, और हमारी इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत हीरोइन है, और ये हमारे भोजपुरी तो जो खूबसूरत है उसको खूबसूरत तो कहेंगे ही ना भाई, कोई गलती करते हैं हम, खूबसूरत को खूबसूरत बोलते हैं। तो निधि जी, आप क्या कहती हूँ, वैसे इनके साथ काम करने का जो दो फिल्में काम करने का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, और फिर से हिम्मत है आपकी तीसरी फिल्म करने की? ऑब्वियसली हिम्मत है, मैं तो इनके हिम्मत की क्या बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ही स्वीट है, बहुत डाउन टू अर्थ है, और बहुत कोऑपरेटिव इंसान है, बहुत शांत भी है, ये इतने शांत हीरो हैं कि मैं, मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में और भी कोई इतने शांत होंगे, इतने ये शांत है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो शांत है, आप चलिए मस्ती कीजिए ये वाली फीलिंग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत स्वीट है, सो मैं जितनी फिल्में आएगी मैं इनके साथ जरूर। वैसे ये परेशान भी बहुत करते हैं इंटरव्यू में, इसके लिए मेरी हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल नहीं परेशान करते, कहाँ से ये आपको गलत फहमी है, मुझे तो नहीं लगता। नितेश पांडे का अपना एक रंग होता है, जब ये अपने रंग में आते हैं तो बहुत सारे इंटरव्यू को अपने तरीके से भी कैरी करते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव द क्वेश्चन। ठीक है, एक अगला सवाल, ये कहती हैं कि मैं सिंगर नहीं हूँ अच्छी, कभी इन्होंने आपके सामने कुछ गा के सुनाया? नहीं, आज तक तो इन्होंने नहीं गाया। व्हाई? बिकॉज़ आई टोल्ड आई एम नॉट अ सिंगर, आई कांट सिंग, आई एम जस्ट एन एक्टर, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। वैसे बिल्कुल नहीं, दैट्स द पॉइंट, ये बहुत ही बड़ा जोक है।
नहीं गा सकते। कोशिश करिए आज आज हमारे पब्लिक के सामने कोई बात नहीं। मैं वैसे नाक से बोल रही हूँ और नाक से इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। आपका गाना हिट हो गया, आपके गाने अच्छे। राम जी इतने अच्छे फैबुलस सिंगर जो बोलते हैं हम इतना अच्छा गाते हैं, उसके सामने आप बोल देंगे पागल को गाने कैसा लगेगा? ऐसे ही वाली बात होगी। सब लोगों को लगता है गा सकती है, कुछ भी जाइए। आज मैं अपना इंसल्ट करवा के रहूंगी। चलिए मैं आप गाइए, मैं कुछ ऐसे बोल रही हूँ। अच्छा लुलिया बोलिए, मैं दो लास्ट के दो लाइन बोलती हूँ, आप सिर्फ लुलिया बोलिए। लुलिया लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, लुलिया आप सब दर्शकन के प्यार मांगे ले, लुलिया हमारे जो आपने गाना चेंज क्यों किया जब कौन के सामने होते हैं? आप नहीं चाहिए, मुझे दर्शकों का प्यार चाहिए। नहीं होते हैं तब आप गाना दूसरी तरह से गाते हो, जो नितेश पांडे सामने होते हैं यही गाते हैं। नहीं, ये दर्शकों को लुभाने के लिए एक लाइन याद कर ली है, आप सभी दर्शकों का प्यार चाहिए, ठीक है ना? तो भतार वाला लाइन ये छोड़ देते, एक बार गा दीजिए, दिल टूट गया हमारा, तो एक बार बता वाला गा दीजिए। अब उसको कोई और गाना गा लेते हैं। अच्छा कोई और गाना, जैसे कि निधि झा जी, निधि जी जैसे कि इनका गाना हिट हुआ गोरी तोरी चुनरी लाल, और आप लाल ड्रेस पहन के ओहो, तो चुनरी नहीं के फुल पैंट पहन के तो गा दीजिए एक बार कि गोरी तोरी चुनरी बाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बाल लाल रे, रोड पर चले लू कमल चल रे, जौने कल जवा में कर लू पढ़ाई, लैका लैका में होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई, कि लैका चिल्ला ले संभाल महल रे, बुढ़ाओ चिल्ला ले संभाल महल रे, रोड पर चले लू कमल चल रे। क्या बात, क्या बात, देखो इतना बेहतरीन गाया। ये होता है आपको गाना और सब इतना एक्साइटेड, अब मैं गाऊंगी ना सब ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा, संगत से गुड़ होते हैं, संगत मैं मानूंगा। ये फिल्म करने के बाद ये थोड़ी बहुत सिंगर होंगी, एकदम उधर से ट्रेन करके लेके। हाँ। आप पिछले दो फिल्मों में क्यों नहीं ट्रेन किए? अब पड़ जाएंगे हाथ थोड़ी, उस बार पता नहीं था ना कि आप नहीं गा पाती हैं, इनको पता था आप भी गाते हैं। जैसा इन्होंने कहा, जैसा देखिए सब, हमारे इंडस्ट्री में कोई भी सिंगर जब एक्टर बनने आता है, मातारी की कृपा से यहाँ के लोग जो भी हमारे बहुत हम सम्मान देते हैं यहाँ के डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, जो हम जैसे सिंगरों को वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ हीरो बनाते हैं, तो वहाँ से सिंगर एक रॉ मटेरियल होके आता है, वो सिंगर आता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगर आता है। और थोड़ा थोड़ा सिंगर को एक्टिंग इसलिए आता है कि वो स्टेज पर फेस करता है लाखों की जनता, तो यहाँ पर आने के बाद एक्टर्स के साथ रहते 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 सिंगर को एक्टिंग आ जाती है। वैसे आप बोले ना कि आप एक्टर, तो धीरे धीरे सिंगर्स के साथ रहते रहते आपको सिंगिंग आ जाए, फैक्ट है कि नहीं? मतलब कह सकते हैं ट्रक ड्राइवर में निधि जी एक्ट्रेस थी और आप नए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ सीखा। अब हाँ, मैंने सीखा। अब इनसे आप निधि झा से क्या सीखा आप बता दीजिए, निधि झा से रितेश पांडे ने क्या सीखा ट्रक चलाते वक्त? ट्रक चलाना सीखा था इनसे? निधि झा जी का जो बिहेवियर है और जो निधि झा जी का बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो उनसे भी सीखने को मिला, बहुत अच्छा होता है। आपको ट्रैक्टर चलाया मैंने, जो इंसान ट्रैक्टर चला लेगा
वो सब कुछ अलग है। मेरी ख्वाहिश है इस बार शूटिंग में चलाई। इस बार जहाँ शूटिंग वहाँ ट्रैक्टर मिलेगा। ऐसा ट्रैक्टर में ऐसी क्या खासियत है जो आपको इतनी अट्रैक्ट करती है? नहीं नहीं पहले क्योंकि लगा हुआ चुप कर वो साफा बांध के आपके भी कोई ड्रेस कोड याद आता है जब आपको लगे कि मैं ट्रक चलाऊंगा तो ऐसे कपड़े पहन के चलाऊंगा, लुंगी उंगी पहन के? ट्रैक्टर चलाता था तो हाफ पैंट एगो गंजी और ऊपर पगड़ी बांध के एकदम आनंद जवान जय। रिक्शा पर जब बैठ के गोरिया टाइम पास कर रहा हूं मैं। मनोज तिवारी जी का बहुत बड़ा फैन हूं।